Good evening, everyone, and welcome to today's episode of Artist Circle Live. And today we have with us a very, very special guest who has joined us all from Pune. To tell you a little about Artist Circle एक ऐसा platform है जिसमें हम देश विदेश के सभी तरह के artists को showcase करते हैं, उनकी journey showcase करते हैं और वो अपने व्यूअर्स के साथ अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल्स, अपने बारे में, अपने आर्टवर्क के बारे में हमारे साथ शेयर करते हैं और अपने आर्टवर्क को हमें दिखाते भी हैं। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतुल किशन गेंदे। इनके बारे में हम क्या बताएं? इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने देश विदेश में अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अतुल जी, आपका आर्टिस्ट सर्कल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आर्टिस्ट सर्कल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ लाइव जुड़ के, और देखें आज आपके साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा मेरी आर्ट की जो जर्नी है वो शेयर करके। डेफिनेटली हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिस्ट सर्कल कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट का इनिशिएटिव है जो इस्टेब्लिश किया गया है कुंवर वियोगी जी की मेमोरी में। कुंवर वियोगी ग्रुप कैप्टन रणधीर सिंह जामवाल जी का पेन नेम है और उन्होंने अपनी पूरी जीवन में बहुत हर तरह के आर्ट को बहुत प्रोत्साहन दिया और वो खुद भी बहुत ही अच्छे लेखक थे। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और डोगरी में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। सो ये आर्ट सर्कल उन्हीं की मेमोरी में एस्टेब्लिश किया गया है, तो उन्हीं को याद करते हुए हम आज की शुरुआत करते हैं। Yes. और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ आप अपने जो आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं और इतने जगह अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया है, कुछ उनके बारे में बताएं। जैसे मैंने एक छोटे से महाराष्ट्र के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और जहां पे ज्यादा आर्ट की ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और लेकिन मुझे आर्ट फील्ड के बारे में एक सही समय पे पता चला और उसके बाद मैंने पुणे में जो फाइन आर्ट्स कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ, वहाँ पे एडमिशन लिया। और जैसे ही मैंने एडमिशन मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मुझे बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं आर्ट फील्ड में, जो स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, उसके बारे में पता चलता रहा। और फिर मैं जैसे शुरू में मुझे वहाँ पे ज्यादा ऐसे नहीं था कि मैंने पेंटिंग भेज दिया और वो सिलेक्ट हो गया, फिर उसको अवार्ड मिल गया। इतना आसान तो होता नहीं है, चार बार पांच बार सिलेक्ट नहीं होता था, बहुत बार रिजेक्ट भी होता था। यस यस, क्योंकि आपसे भी बेहतर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं काम करने वाले, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज का, तो वो तो डेफिनेटली बेस्ट वर्क ही चूज करेंगे अवार्ड के लिए। तो शुरू में तो वैसा नहीं था कि मैंने पेंटिंग भेजा और उसका अवार्ड मिल गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अपने आर्टवर्क हमेशा जहाँ पे चांस मिल सकता है वहाँ पे मैंने शो करने का ट्राई किया। हर बार मैंने जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और शुरू में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में जैसे ही एक मेरे जो आर्ट वर्क की जो क्वालिटी है वो लोगों को समझ में आने लगी। वो जो एक मेरा ब्लैक एंड व्हाइट का, ज़्यादातर पेंटिंग मेरे ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, तो उसका एक जब अलग सा एक टेक्निक, अलग सा एक स्टाइल जब लोगों को समझ में आने लगा, तो फिर कहीं जाके उस पेंटिंग को अवार्ड मिलने लगे। और फिर धीरे धीरे करके जो ऑन द स्पॉट लैंडस्केप के भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो भी बहुत सारे जीते हैं। और जब 2018 में जो नेशनल अवार्ड मिला था मुझे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, जो कि आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है वो, और वो मेरा भी ड्रीम अवार्ड था, और वो काफी बड़ी चीज है मेरे लिए कि मुझे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या बात है, आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली बात यही है कि इतनी कम उम्र में आपने इतने सारे अवार्ड जीते। और आप सही कह रहे हैं कि किसी भी आर्टिस्ट की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती। लगता है जब बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हैं, तब लगता है कि वाह, इनका तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमको कैसे इतना कुछ मिलेगा। सो आई थिंक आज आपकी जर्नी से हम आर्टिस्ट को एक प्रेरणा देना चाहते हैं और उनके साथ अगर आप शेयर कर सकें कि आपने जो शुरुआत की, आई थिंक बचपन में भी आपको आर्ट का शौक रहा होगा, तो बचपन की कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ? यस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जहाँ से आता हूँ और बहुत सारा टैलेंट आपको जो विलेजेस है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और लेकिन बस एक चीज उनके बारे में होती है कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता सही वक्त पे। तो मेरी भी कंडीशन सेम वैसी थी, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं था इस फील्ड के बारे में,
लेकिन आफ्टर 12th मुझे सही टाइम में इस फील्ड के बारे में पता चला और मैंने एक फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो उसके बाद से मेरी एक जो जर्नी थी पेंटिंग में वो स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे मतलब शुरू में जैसे मुझे इसके बारे में पेंटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे घर में मेरे जो अंकल हैं वो एक शौक की तरह पेंट करते थे कभी कभार, लेकिन फिर भी उनको देख के मुझे कहीं जाके इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं भी कुछ वैसे बनाऊँ। और मैंने उनके जैसा बनाने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे कभी सिखाया भी था, लेकिन उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी एज अ प्रोफेशनल कुछ ऐसे किया नहीं था इसमें। तो उनको जितना पता था उतना उन्होंने बता दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने धीरे धीरे करके जैसा मुझे हो सकता है वैसे सीखना स्टार्ट कर दिया, लोगों के आर्टवर्क देखना चालू कर दिया। लेकिन मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे एक बस एक ही था, एक व्यक्ति था मेरे गांव से कि जिन्होंने जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया था। तो जब मुझे उनके बारे में पता चला कि हाँ ऐसे भी एक कॉलेज होता है जहाँ पे फाइन आर्ट्स का एजुकेशन मिलता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने सेवेंथ स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे एज अ आर्टिस्ट ही वर्क करना है आगे जाके। क्या बात है, क्या बात है। उतनी क्लास सेवेंथ में अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उस समय लोगों की उम्र कितनी होती है, 12 साल 13 साल। सो अगर आपने उतनी कम उम्र में डिसाइड कर लिया। हाँ जी प्लीज। मुझे ये पता नहीं था कि आगे जाके मैं क्या करने वाला हूँ या फिर कैसे करने वाला हूँ, बस मुझे इतना पता था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, कैसे बनने वाला हूँ कुछ पता नहीं था। मतलब वो जो जुनून होता है कि मुझे ये करना है, इसके जो बीज थे ये आपके दिल में उस समय बो दिए गए थे, तो उसी लिए आपने उसी तरफ एक आपका रुझान बनता गया और धीमे धीमे आपने उसमें अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन भी ली। तो आप अपनी पहली पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, पहली प्रोफेशनल पेंटिंग जिसको आपने या तो एग्जिबिट किया या उस पे आपको अवार्ड मिला, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जो सबसे पहला अगर अवार्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पुणे में एक कॉम्पिटिशन हुआ था ऑन द स्पॉट का, तो वहाँ पे मैंने एक पार्टिसिपेट किया हुआ था और वहाँ पे ऑन लोकेशन ऑन द स्पॉट जाके पेंटिंग किया था। 2015 की ये बात है और वो मेरा पहला अवार्ड था वहाँ पे। और मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि फर्स्ट थ्री या फिर फर्स्ट फाइव में मेरा अवार्ड था, मुझे कॉन्सोलेशन अवार्ड था। मतलब जो फाइव के बाद जो है 6-7 जो होती है आखिरी के 2-3 उसमें था, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि मैं इतने सारे लोगों में से वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, भले ही वो जूरी अवार्ड था लेकिन फिर भी वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और जब से वो पहला अवार्ड मिलने के बाद फिर तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फिर अवार्ड की तो मतलब कंटिन्यूसली अवार्ड ही रहते थे। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वगैरह अटेंड करता था जब मैं कॉलेज में था, तो बहुत सारे जो मेरे क्लास टीचर्स थे या फिर जो कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी बहुत बार बोलते थे कि तुम कॉलेज में जब कभी भी आते हो तब अवार्ड लेके ही आते हो, तो इसलिए मेरा कॉलेज जाना कम रहता था और बाकी कॉम्पिटिशन वगैरह अटेंड करना बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन कहीं पे वो भी काफ़ी मेरी परफॉर्मेंस से खुश रहते थे कि हाँ बिल्कुल तो ये करता है और ये अच्छा करता है, इस वजह वो भी मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोकते थे और काफ़ी एडजस्ट भी किया था उन्होंने उस टाइम पे। बिल्कुल, आपकी प्रतिभा को उन्होंने भी पहचाना और उनको लगा कि इस समय आपको इनकरेज करने की बहुत जरूरत है। सो हमने देखा है कि आपकी पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा लैंडस्केप्स होते हैं, लाइक नेचुरल थिंग्स, नेचुरल सीनरीज जो आसपास हमें देखने को मिलती है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी पेंटिंग पे। सो ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि मेरा पूरा बचपन गाँव में गया है, तो एक नेचर का एक बॉन्ड जो है मुझे लगता है कि वो थोड़ा अलग है मुझसे या फिर मेरा नेचर, तो इस वजह से शायद वो पेंट ज़्यादा अच्छा लगता होगा मुझे। मैं इसका एक परफेक्ट ऐसा रीजन ला सकता कि मैं वो क्यों पेंट करता हूँ, बस वो मुझे अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पेंट करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है और जब मैं नेचर पेंट जब कभी लैंडस्केप करता हूँ तो मैं उसमें पूरी तरीके से खो जाता हूँ और मैं वो पूरी जो जर्नी है जो एक पेंटिंग बनाते समय जो होती है वो मैं पूरी एंजॉय करता हूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बाकी कुछ चीज़ें नहीं होती कि मैं ये कैसे होने वाला है या फिर ये लोगों का इसके रिव्यूज़ क्या रहेंगे या फिर ये मुझे ऐसे दिख रहा है, लोग भी ऐसे दिखे देख रहे हैं क्या इसको, ये मेरे दिमाग में नहीं रहता। मुझे बस इतना दिमाग में रहता है कि ये मैं अभी जो कर रहा हूँ उसको मैं बस एंजॉय करूँ
और जो बनने वाला है वो बाद में देखा जाएगा कैसा है, बस मैं वो जो प्रोसेस होती है वो बस मैं एंजॉय करता रहता हूँ। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही आज, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं अगर आपको आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत एक सीखने की बात है कि इसके बारे में मत सोचो कि ये बाद में क्या होगा, ये ज्यादा जरूरी है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है ये करना, और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो दर्शक भी जो देखेंगे उस चीज को वो भी उसको इंजॉय कर पाएंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आपके कुछ बहुत सुंदर पेंटिंग्स देखे हैं हमने गणपति जी के भी, सो उनके बारे में कुछ बताएंगे कि आपने उनको कहीं देखा उसके बाद उसको पेंट किया, या ये आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया कि आप ऐसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। मैं आउटडोर टूर के लिए बहुत जगह पे जाता रहता हूँ। मैं एलोरा गया था, वहाँ पे भी एक गणेश जी का बहुत ही सुंदर है। उसके बाद मैं खजुराहो गया था, वहाँ पे भी मैंने एक गणेश जी का काफी ब्यूटीफुल स्कल्पचर देखा था। तो उसी में से कहीं पे जाके मुझे लगा कि हाँ ये एक पेंटिंग बनाना हो सकता है, या फिर ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो जैसे मैं दूसरी पेंटिंग करता हूँ वैसे ही मैंने, बस वो सब्जेक्ट मेरे लिए चेंज था, लेकिन वो जो जर्नी है पेंटिंग बनाने की वो सेम थी। इसलिए वो बस सब्जेक्ट अलग होने की वजह से कुछ दूसरे ख्याल थे मेरे मन में, वो बस मैं जैसे एंजॉय करता था नॉर्मल पेंट करते हुए, वो भी एक प्रोसेस जो थी, एक वो जो ट्रैवल था वहाँ, जब जहाँ से मैं पेंसिल ड्राइंग करता हूँ और जब फिनिश हो जाने के बाद साइन तक आता हूँ, तो वो जो एक जर्नी है वो मैं हर बार एंजॉय करता हूँ। और ये एक हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए, ना कि उसके आगे क्या होगा या फिर उसका हम कहाँ पे एग्जिबिट करने वाले हैं या फिर इसको अवार्ड मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। क्या बात है। देखिए ऑलरेडी हमारे दर्शकों के सवाल आने लगे हैं, और हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि आपकी पेंटिंग्स भी क्या आप मतलब हर आपकी पेंटिंग में कुछ आपकी छलक भी होती है क्या, क्या कोई आपकी पेंटिंग आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके किसी क्वालिटी को, आपके किसी कैरेक्टरिस्टिक को? मैं वैसे बता नहीं सकता कि मेरा कैरेक्टर उसमें दिखता है कि नहीं, अभी जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं शायद वो इस बारे में बता सके कि मेरी कुछ जो मेरा कुछ रिफ्लेक्शन मेरी पेंटिंग में दिखता है नहीं, क्योंकि जैसा मेरा नेचर है, जो लोग मुझे एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने या फिर जिन लोगों को मेरे नेचर के बारे में पता है या फिर मैं जो पेंट करता हूँ उसके बारे में पता है, वो डेफिनेटली शायद बता सकेंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं मेरे बारे में नहीं बता सकता कि इसमें कुछ रूट नहीं, तो इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो एक जर्नी थी ब्लैक एंड व्हाइट की उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बिल्कुल मैं खुद ही पूछने वाली थी आपसे। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट कर। हाँ जी हाँ जी, मैं भी इस ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के बारे में पूछने वाली थी आपसे, तो प्लीज बताएं हमें। यस, वैसे बहुत मैं सुनता हूँ और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, कि हम अपनी स्टाइल कैसे क्रिएट करें। बिल्कुल, नॉर्मल से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपनी स्टाइल कैसे क्रिएट करें, लेकिन स्टाइल कभी क्रिएट किया नहीं जा सकता और वो कभी क्रिएट होता भी नहीं है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो एक प्रोसेस है, वो जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अभी जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाने वाला है या फिर मैं ये कैसे करने वाला हूँ, लेकिन बस जब मैं अपने घर पे था स्टूडियो में, तो कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मैं जब मैं अपने घर पे गया, तो वहाँ पे मैंने करना कुछ सोच रहा था, कुछ तो पेंट करे, लेकिन मुझे बस कलर की जो थी वाटर कलर की वो दिखाई दी, और मुझे उस टाइम पे क्लिक, क्यों ना एक बार हम ब्लैक एंड व्हाइट एक पेंटिंग बना के देखते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि ये कैसे होगा या फिर इसमें हम आगे क्या कर सकता हूँ मैं, तो वो तो बस ऑटोमेटिकली हो गया। और वो हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यूज आए, शुरू में लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके बाद लोगों ने उसको लाइक करना भी छोड़ दिया, मतलब ऐसा कि नहीं क्या हर बार तुम बनाते हो, मतलब शुरू में अप्रिशिएट भी किया और बाद में लोगों ने इसको सिर्फ ऐसे बोलने लगे इसके बारे में निगेटिव, कि ये व्हाइट कहाँ क्यों कर रहे हो, इतने कलरफुल अगर तुम्हारे पास कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों करते हो। लेकिन उस टाइम किसी की नहीं सुनी, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वहाँ उस टाइम पे पसंद आने लगा था और वो करने में मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने बस उसमें कुछ वेरिएशन फिर बाद में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने टू कलर में पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि येलो ऑकर और ग्रे कलर, तो वो एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। और उसके बाद मेरे इतने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का हो,
फिर जो जो कुछ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड है सभी के सभी ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग को ही मिले हैं. और ये काफी अच्छा था कि शुरू में लोगों ने इसके लिए कुछ निगेटिव बोली, लेकिन फिर भी मैंने उसको कंटिन्यू किया. तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप आपके खुद को जो मन को लगता है वो आप पेंट करें, ना कि अगर कोई दूसरा कहता है कि ये करो वो करो. नहीं, जो आपको लगता है वो बस आप उतनी शिद्दत से अगर आप पेंट करोगे, फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो, मीडियम को नो मैटर, आप अगर उतनी शिद्दत से उसको करते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें बहुत आगे तक जा सकते हो. कितनी खूबसूरत बात कही आपने कि अपना अपने मन के विश्वास को कायम रखना चाहिए और दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपनी जो इच्छा है उसको दबाना नहीं चाहिए. और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि बाद में बहुत सारे लोगों ने अगर आपको ये भी कहा कि क्यों इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो, लेकिन आपके सबसे ज्यादा अवार्ड्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से ही मिले. सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. और आपने दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि बताया डेफिनेटली कि नेचर से आपका बहुत लगाव है और नेचर आपको बहुत इंस्पायर करता है, तो उसके अलावा आपको किस चीज को देख के पेंट करने की इच्छा होती है कि अच्छा आज सपोज आप नहीं पेंट कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ देखा और आपको लगा कि आज मुझे पेंट करना है क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो ऐसी कोई चीज या कोई कुछ भी है आपकी जिंदगी में जो आपको इंस्पायर करता है पेंट करने के लिए? अभी जैसे सब्जेक्ट के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे कौन से सब्जेक्ट इंस्पायर करते हैं पेंट करने के लिए, लेकिन कुछ जो फॉर्म होते हैं जैसे कि शेडो और लाइट के जो फॉर्म होते हैं वो मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं पेंट करने के लिए. मतलब जब कभी मैं आउटडोर होता हूँ या फिर कहीं पे भी, तो वो जो एक शेड एंड लाइट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है कहीं पे भी, तो किसी सरफेस के ऊपर लाइट जब सनलाइट होता है और उसकी उसकी वजह से वो जो उसकी शेड जो तैयार होते हैं, उसकी जो शेडोज होती है, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग लगता है. फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो मुझे वो पेंट करने में अच्छा लगता है. और ये मतलब जब आपको पेंट करना होता है तो सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता कि आप पेंट क्या कर रहे हो, बस आपको वो पेंट करना आना चाहिए और वो अपनी खुद की स्टाइल से पेंट करना आना चाहिए, ना कि किसी और की देखने की या फिर किसी और ने जैसे पेंट किया वैसे पेंट करने की. क्योंकि शुरू में तो वैसे बहुत होता है कि जब कोई हम को सब्जेक्ट पेंट करने लगते हैं तो हम बहुत बार हमने किसी आर्टिस्ट का पेंटिंग देखा हुआ होता है कहीं ना कहीं, नेट पे हो कहीं एग्जीबिशन में हो कहीं ना कहीं तो देखा होता है, ऑटोमेटिकली हमारे पेंटिंग में उतर जाता है और वो हमें भी पता नहीं चलता कि ये ऐसा. लेकिन जब तक हम उतना रियाज नहीं करेंगे उस चीज का, उतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज की, तो वो जो दूसरे की जो चीजें हैं वो आपकी पेंटिंग में से नहीं निकल जाएंगे. तो फिर ऐसा होगा कि मेहनत आपकी है और नाम किसी और जाता है फिर. तो ये सब ये चीजें ना हो, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके उतना आप खुद के क्रिएशन के ऊपर फोकस करें. भले ही शुरू में कॉपी वर्क करें तो नो डाउट, मैंने भी शुरू में बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को कॉपी किया है, बहुत सारे के लिए तो करना पड़ेगा. हाँ जी, सीखने के लिए वो करना पड़ता है. काफी अच्छी चीज है अगर आप शुरू में किसी को कॉपी कर दो तो, क्योंकि आपको उससे बहुत जल्दी बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगती है. ये एक अच्छी बात है, इसलिए मैं खुद भी ये बात बोलता हूँ कि मैंने शुरू सारे आर्टिस्ट लोगों को कॉपी किया था, उनके आर्टवर्क देखे, उनके आर्टवर्क कॉपी किए, तो उससे मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें से मिलती रही मुझे. और फिर एक सर्टन लेवल के बाद मैंने वो कॉपी करना छोड़ दिया, क्योंकि जब एक आपकी एक पहचान होने लगती है तो फिर ऐसा ना हो कि कोई और आपके काम के ऊपर किसी और का नाम लगा जाए, तो ये सब चीजें ना हो. इसलिए एक जब आपको वो समझ में आने लगता है कि हाँ ये ऐसे करते हैं, फिर आप वो अपनी स्टाइल से या फिर अपने हिसाब से अगर करोगे तो वो उसके लिए आपको टाइम ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि आप इतने दिनों तक किसी और के रेफरेंस लेके पेंट करते थे, लेकिन जब आपको खुद का करना है उसके लिए टाइम जाएगा, उसके लिए आपको इतना डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा. उसके जा सकता है लेकिन वो कभी मतलब ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. तो इसलिए शुरू में तो उस चीज के लिए आपको नहीं पड़ेगा, अगर आपको कुछ खुद का क्रिएट करना है, खुद की स्टाइल डेवलप करनी है तो आपको उतना काम करना चाहिए, बस दूसरी कोई चीज नहीं. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हर जगह मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. यस यस यस. और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपके प्रोफेशन में है, जो आई थिंक हर आर्टिस्ट की लाइफ में और हर तरह के आर्ट में एक बहुत खास चीज होती है, बाकी लोग एक काम करते हैं उनको अच्छा लगता है वो करना या उनको पैसे कमाने हैं तो वो काम करते हैं,
लेकिन आर्ट में इन सब के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत चीज होती है कि आपके मन को कभी कभी बहुत शांति देता है, right. या कभी कभी आप बहुत परेशान होते हैं तो आर्ट करके आपको एक एक डायरेक्शन मिल जाता है, या आर्ट वर्क दूसरों के देख के या आर्ट गैलरी में जाके एक अलग सी फीलिंग होती है. तो क्या आप एक कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आर्ट की वैल्यू क्या है इस दुनिया में? हाँ, आर्ट की वैल्यू, अगर आर्ट की वैल्यू के बारे में अगर बात की जाए या फिर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो आर्टिस्ट जो होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो चाहे कोई भी हो, विजुअल आर्टिस्ट हो या फिर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, अभी जो अभी की जो दुनिया है या फिर अभी अभी की जो टाइम है, हर कोई परेशान है अपने पर्सनल प्रॉब्लम से, दूसरे जो कुछ दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसकी, उससे हर कोई बंदा परेशान है. तो भगवान ने एक आर्ट इसलिए ही बनाया है कि लोगों को इस चीज से थोड़ा बाहर निकाला जाए, या फिर कुछ उनको एंटरटेन हो जाए, या फिर थोड़ी देर के लिए सही सही लेकिन वो अपना गम भुलाया जाए. तो मुझे इस चीज के बारे में बहुत, मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे भगवान ने एक एज आर्टिस्ट बनाया है, मुझे एक आर्टिस्ट बनाया है भगवान ने. और ये काफी बड़ी बात है कि मेरा पेंटिंग देख के अगर किसी के मन को शांति मिलती है, या फिर थोड़ी देर के लिए वो अपना गम भुला के वो पेंटिंग को एंजॉय करता है, वो भले ही 2 सेकंड के लिए हो, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए काफी बड़ी चीज है. हम तुलना किसी भी दूसरे स्वरूप में नहीं कर सकते, वो चाहे पैसे हो, किसी और चीज के बारे में दूसरे में कंपेयर नहीं कर सकते. वो जब मोमेंट होता है, अगर कोई एंजॉय करता है आपका पेंटिंग और आपको कमेंट देके जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाया है, और जब वो एंजॉय करता रहता है, वो जो कोई भी हो, विजिटर हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है. बिल्कुल. तो इसी बात पे, क्या आपको कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट अपनी किसी पेंटिंग के लिए याद है जो किसी ने दिया हो कभी? वैसे तो बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट वगैरह आ रहे हैं. अभी एक व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, जो जहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह होते हैं वहाँ पे भी. मुझे एक याद तो नहीं, ये किसने कहा था, ये मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं याद आ रहा है. तो उन्होंने मराठी में बोलते हुए बोला था मुझे कि तुला कलेचा वरद हस्ता है. अभी शायद जो मराठी लोग हैं उनको इस बारे में ज्यादा पता चलेगा, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनका इसका नहीं ट्रांसलेट होगा. तो उसका मीनिंग मराठी में मतलब तुम्हारा जो हाथ है वो भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है, या फिर वो गॉड गिफ्टेड है, ऐसे कुछ. मतलब बहुत डीप मीनिंग है उसका, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो जो उनके जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए बहुत ही दिलासा दायक थे. और वो काफी मतलब उन्होंने जिस रिस्पेक्ट से वो बात कही थी मुझे, मेरे लिए वो चीज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया थी. और मुझे काफी अच्छा लगा उस टाइम पे कि वो जो आनंद होता है, वो जो एक हैप्पीनेस होता है, वो अगर कोई पेंटिंग पर्च करे तो वो नहीं मिलता. लेकिन जब कोई इतना दिल से अगर आप कॉम्प्लीमेंट देता है आपके आर्ट के लिए, तो वो काफी इम्पोर्टेंट, वो बहुत बड़ी चीज होती है. क्या बात है, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की. तो एक बात बताइए कि आपने देश विदेश में बहुत जगह पे अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया है, तो आपने कोई फर्क महसूस किया है कि जब आप इंडिया में कोई कहीं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या आपने कभी जो विदेश में पार्टिसिपेट किया हो, तो आपको क्या क्या डिफरेंस महसूस होता है, क्या फर्क महसूस होता है? अभी फर्क के बारे में, मैं एक्चुअली कभी आउट गया नहीं वहाँ पे, कभी मैंने पेंटिंग बहुत वहाँ पे एग्जिबिट किए हुए हैं, लेकिन मैं आर्टिस्ट वहाँ पे कभी प्रेजेंट नहीं रह सका. मेरी बहुत इच्छा है अभी यूरोप जाने, वहाँ पे जो गैलरीज है वहाँ की, वहाँ पे जो है वो देखने की मुझे काफी इच्छा है. और मैं उसी का भी प्लान कर रहा हूँ कि यूरोप जाने, एग्जिबिशन वगैरह देखना चाहता हूँ मैं. इसलिए मैं उसके बारे में तो नहीं बता सकता कि वहाँ पे वहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन रहेगा के बारे में, लेकिन हर जगह पे आर्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों आर्ट में करना या फिर पेंटिंग परचेस करना, मतलब वो नई लोगों को रास आता है, या फिर उनको वो चीज़ काफी अच्छी नहीं लगती. मतलब पेंटिंग क्यों महंगा होता है, वो ही लोगों को पता नहीं होता. किसी आर्टिस्ट का अगर पेंटिंग वो बाय कर रहे हैं तो फिर वो इतना महंगा क्यों है, या फिर इसमें इतना क्या खास है, तो उन सब चीजों के बारे में उनको पता नहीं, लेकिन वो बस पैसों उसकी
वैल्यू कर देते हैं कि हाँ ये तो इतने महंगा, तो हर जगह पे अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होंगे इस चीज के बारे में इंडिया में, लेकिन बहुत है कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अभी जो इतना सारा प्लेटफॉर्म भी बहुत जगह है, और ये काफी अच्छी चीज है अपकमिंग आर्टिस्ट की, मेरे जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए, कि बहुत जगह पे हमें अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं और लोगों के काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। तो आर्ट से रिलेटेड आपका सबसे यादगार पल क्या है आज तक की डेट में, कभी आपने किसी गैलरी में प्रेजेंट किया हो या कुछ पेंट कर रहे हो तो सबसे यादगार? जब मुझे नेशनल, हाँ जी, 2018 में जब मुझे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, तो उस एक वीक में मुझे चार अवार्ड मिले थे, बस एक वीक में ही मुझे चार अवार्ड मिले थे, तो वो एक काफी यादगार लम्हा मेरे लिए हो सकता है। भले ही लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मुझे इस बारे में कोई केयर नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए काफी सेटिस्फाइड था, कि वो काफी सेटिस्फाइड मोमेंट था मेरे लिए, कि इतने सारे अच्छे अच्छे लेवल के अवार्ड मुझे एक ही हफ्ते में, एक ही वीक में उतने सारे अवार्ड मिले, बस एक दिन बाद एक ऐसे मिलते गए, तो वो एक काफी यादगार था मोमेंट मेरे लिए, और वो मैं कभी शायद नहीं भूल सकता। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड, और वो एग्जीबिशन भी जहांगीर में हुआ था, और वहां से वो सोल्ड आउट हो गया, तो ये सभी चीजें काफी अच्छी रही उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। आपके जितने भी यहाँ पे फैंस हैं जो जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव के थ्रू, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनको अपने कुछ बेस्ट आर्टवर्क दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। सो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने कुछ पेंटिंग्स को? यस यस यस, मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। हाँ जी, अभी यहाँ पे मैं अभी एक्चुअली पुणे में नहीं हूँ, मैं अभी अपने घर पे हूँ, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ आर्टवर्क्स बनाए हुए हैं, उसी की मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट 40 आर्टवर्क्स मैंने किए हुए, उसमें बहुत सारे कैनवास भी हैं और कुछ पेपर वर्क्स भी हैं। और हमें बता भी जाइए जो जो आपने ड्रॉ किया है और पेंट किया है उनके बारे में। यस यस, मैं ये एक्रेलिक वर्क है ऑन पेपर, ये पूरा मैंने नाइफ से बनाया हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ब्रश का यूज नहीं किया हुआ है, ये पूरे का मैंने नाइफ से बनाया है। तो ये आपने कौन सी जगह सोल्ड आउट हुआ है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक्रेलिक है, एक्रेलिक ऑन कैनवास। ओके, ये भी नेचर से इंस्पायर्ड है। यस, ये कुछ लाइव डेमोज की भी आर्टवर्क्स हैं, मेरे कुछ ऑनलाइन सेशन जो चालू है उसके, ये वहाँ पे मैंने कुछ डेमो वगैरह दिए थे, ये भी उसी का है। क्या बात है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो मैंने बहुत सारे आर्टवर्क्स किए हैं, और इसलिए वैसे बनाता भी रहता हूँ, ये बनारस का एक बनाया था। आप जो जो पेंटिंग्स हमें दिखा रहे हैं, कुछ कुछ उनके मतलब ये कहाँ का लोकेशन है, आपने क्या दिखाया है? मुझे पीछे ताजमहल दिख रहा है, am I right? डिस्टेंस में? नहीं, वो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट के लिए वहाँ पे एक बिल्डिंग का फॉर्म ऐसे ऐड दिया था। अच्छा, वो एक्चुअली मस्जिद ही है। अच्छा, वाराणसी में, तो अच्छा, उसको थोड़ा सा, बस थोड़े सा अलग अलग सा मैंने पेंट किया हुआ है। बहुत सुंदर, ऑयल पोर्ट्रेट है। क्या बात है, ये मिक्स मीडियम है, वाटर कलर और एक्रेलिक ऐसे मिक्स मीडियम किया है। okay. यहाँ पे ये जो स्काई है और ये जो रोड का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो मैंने वाटर कलर में हुआ है, और जो बाकी ये जो बिल्डिंग और ये जो गाड़ियाँ हैं वो मैंने एक्रेलिक पेंट में की है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी सोल्ड आउट हुआ है। बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन के पीरियड में भी काफी बहुत सारे लोगों ने आर्टवर्क किए हैं, तो बस ये भी
लाइव जो सेशन था गणेश जी की पेंटिंग, तो वहाँ उस टाइम पे ये बनाया था, बहुत ही खूबसूरत है जी, ये नेचर का इन्फ्लुएंस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ अभी दिखाने के लिए तो बहुत सारी पेंटिंग है, सभी के सभी तो मैं शो नहीं कर सकता, बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, ये मैं लास्ट दिखाता हूँ। इस पेंटिंग के बारे में बताइए कुछ, ये बहुत ये भी मैंने ऑनलाइन सेशन में एक डेमो था, ये ये एक सातारा के नजदीक एक गांव है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट लैंडस्केप कॉम्पिटिशन था, तो मैं गया था। ये जो पुरानी आर्च है वो की है, और मैंने वो वहाँ पे भी पेंट की थी, और ये उसके बाद उसका ऑनलाइन जब सेशन था उसके लिए वही स्पॉट किया था और उसका लिया था। ओके ये एक्रिलिक कैनवास है, तो मैंने बहुत सारे कुछ ट्रांसपेरेंट और ओपेक काम हुआ है। यहाँ पे ये जो व्हाइट जो दिख रहा है वहाँ पे मैंने जगह पे कैनवास वैसे ही रखा है, मतलब पेंट नहीं किया हुआ है बस। अच्छा, ये बस ये जो डार्क जो है बस उतना ही पार्ट मैंने पेंट किया हुआ है, बाकी पूरा का पूरा ब्लैक कैनवास है वो। क्या बात है, एक्रेलिक में तो बहुत सारी टेक्निक रहती है, ट्रांसपेरेंट हो या फिर ओपेक हो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, हमारे दर्शक बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं आपकी पेंटिंग्स को देख के, they are saying it's absolutely amazing and you are very very talented. Thank you everyone. बहुत ही सुंदर, बहुत सारे आर्टवर्क्स हैं, मैं वैसे तो सोशल मीडिया का अपलोड कर ही रहता हूं, और अभी दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा सभी के सभी। हां, आर्टिस्ट सर्कल में भी अपलोड करिएगा तो सब लोग और देख पाएंगे। yes, अच्छे से। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू अपना ब्यूटीफुल आर्टवर्क शेयर करने के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स है स्पेशली जो बिगिनर्स है वो आपसे कुछ खास टिप्स जानना चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। आपने बहुत कुछ बताया है कि डोंट गिव अप और अपने मन की सुनिए, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको और जो नए आर्टिस्ट हैं जो एमेच्योर्स हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? यस, मुझे वैसे तो बहुत सारे लोगों के मैसेज रहते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि हम बिगनर्स हैं क्या करें, या फिर कैसे कौन सा पेपर यूज करें, कौन से कलर यूज करें, मीडियम शुरू में ट्राई करें। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं यही कहना होगा मेरा कि आप जितना अपना काम के ऊपर ही फोकस करें, मतलब शुरू में अगर आप कॉपी वर्क करते हैं किसी आर्टिस्ट को फॉलो करके, या फिर जो भी आपको आर्टिस्ट उनके आप शुरू में डेफिनेटली उनके आप पेंटिंग्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है, जिसको बहुत सारी जो टेक्निक है वो समझ सकते हो आप, और धीरे धीरे करके से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद उसको आपको छोड़ देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने भी स्टूडियो में बहुत सारे आर्टिस्ट को कॉपी करने के बाद मैंने अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप किया था, वो ऑटोमेटिक हो गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ स्टाइल क्रिएट करने के लिए अलग सा किया था या फिर उसका कुछ अलग सा प्रैक्टिस किया था। तो शुरू जो बिगिनर्स दूसरी जो चीजें होती है, मतलब कि हमारा पेंटिंग मतलब आगे जाके कुछ होगा कि नहीं इसका, या फिर कहाँ पे एग्जीबिट करेंगे हम, या फिर आगे जाके इसमें अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, तो ऐसे से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे उनको सवाल होते हैं इस बारे में। लेकिन आप अगर आप काम के लिए लॉयल रहोगे अपने काम के प्रति, या अगर आप अपना विश्वास रखोगे अपने काम के, तो वो एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आपका अपने काम के ऊपर ट्रस्ट होता है तो ऑब्वियस सभी चीजें आपको मिलेगी, और वो भी परफेक्ट टाइम में ही। तो ऐसा नहीं है कि आप बस मेहनत करते जा रहे हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता, और वो किसी भी फील्ड में होता। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको कॉम्पिटिशन के लिए कितने ही लोग हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप में कुछ खास है, तो डेफिनेटली आप 100 लोगों में से भी चमक उठोगे। तो ये चीजें होती है। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँ अभी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं हुए है पास आउट होके, मैं जस्ट 2018 में मास्टर्स करके एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ जो कि न्यू कमर जो स्टूडेंट है, उनका फोकस ज्यादातर पब्लिसिटी के ऊपर ही बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कहाँ पे डिस्प्ले करें, हम कैसे सेल करें, हम किस क्लास मिले, या फिर कौन सी गैलरी में पेंटिंग डिस्प्ले करें। मेरा ये बात होगी मेरी उनको कहने के लिए कि आप खुद को डेवलप, आप खुद को खुद का आर्टवर्क
स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़े, और आपको पूछते हुए आपको आए कि ये आर्टवर्क हमें देखा था या फिर ये आर्टिस्ट है वो, ये ऐसे होना ना कि आप बस जहाँ चाहे वहाँ डिस्प्ले कर, जहाँ चाहे वहाँ आर्टवर्क भेजना चाह रहे हैं, या फिर बस सिर्फ उस सेलिंग के बारे में कि होगा कि नहीं सेल। अगर कोई ये दिमाग में रख के अगर इस फील्ड में आ रहा है कि इसका पेंटिंग 4 लाख में या फिर 5 लाख में सोल्ड आउट हुआ है, मेरा भी होगा, तो फिर ऐसा तो लोग सोच के इस फील्ड में, तो उनसे मेरी एक ही बात कहनी होगी कि आप ये फील्ड छोड़ दो, आपके लिए फील्ड नहीं है फिर। क्योंकि आप तो शुरू में, पहली बात तो ये है कि ऐसे करके कभी भी इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते कि आपको अगर आपको बस पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आना है तो ये फील्ड पैसे कमाने के लिए, ये एक क्लियर बात बोलना चाहूंगा मैं। क्योंकि आप जितना आर्ट के प्रति लॉयल रहोगे, आप जितना ईमानदारी काम करोगे और जितना विश्वास रखोगे आपके काम के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपको देता और देता रहेगा, और जितना आप जो जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आप आर्ट प्योर कर रहे हैं, अगर आपका आर्ट प्योर है, जेन्युइन है, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बस आप पैसों के लिए कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। क्या बात है, कितनी इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि पहले अपने काम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ और इतना अच्छा आर्ट करो कि लोग पूछते हुए हैं कि ये आर्टिस्ट कौन है। यस क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे एक दर्शक से कि कोई भी पेंटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले क्या कोई खास एक प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करते हैं कि मैं इस दिन पेंट करूंगा तो मुझे ये करना है, या कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप कोई स्पेशल चीज करते हो हर बार, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वैसे कोई रिचुअल, कोई आदत? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन जब कोई भी मैं करने का सोचता हूँ कि ये स्पॉट है या फिर ये मुझे ऐसे ऐसे पेंट है, तो उसके मैं स्केचेस पहले शुरू में बनाता हूँ, जितने हो सके उतने, 2, 4, 5, 10, जितने हो सके अलग अलग एंगल से, अलग अलग टेक्निक से स्केच करता हूँ, या फिर अगर मुझे वो एक्रेलिक में करना है तो इसको फिर वाटर कलर में करता हूँ, और फिर वाटर कलर में छोटे छोटे स्केचेस बनाता हूँ। और फिर होता क्या है कि जब आप पेंटिंग बनाने जाते हो और उससे पहले आप अगर आप छोटे साइज के स्केचेस, 4-5 के स्केचेस, आपको वो एक अंदाजा आता है कि क्या आपको उसमें से लेना है और क्या छोड़ना है, और ये कितनी बड़ी साइज में आप कवर करने वाले हो, या फिर इसमें से ये पार्ट कहाँ पे जाने, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बड़ी साइज हो या पेंटिंग करने से पहले अगर आप उसके रफ स्केचेस करें या फिर कलर में कुछ स्केचेस करोगे तो उसका डेफिनेटली बहुत आपको। जी जरूर, बिल्कुल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है आपके एक फैन से जो कह रहे हैं कि आपकी पेंटिंग्स जैसे बहुत लोगों के घर में है या बहुत सारी गैलरीज में है, तो ऐसी कोई पेंटिंग है या ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग आप अपने घर में रखा बनाना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि मुझे उनका आर्टवर्क भी पसंद है और मैं उनकी पेंटिंग भी कभी ना कभी पोस्ट करना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे अभी मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि अगर सपोज अगर नाम भी अगर ना हो, मैं एस एस रजा जो है उनकी एक तो आर्टवर्क मैं बाय करना जरूर चाहूंगा, और डेफिनेटली वो एक दिन करूंगा भी, भले ही साइज का हो लेकिन मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी जो पेंटिंग है वो मुझे काफी इंस्पायरिंग है, और वो जो एक लैंडस्केप को जो उन्होंने एक अलग जो रखा है वो एक काफी इंस्पायरिंग लगता है मुझे, तो इसलिए अगर भले ही बहुत लगी छोटी साइज का भी हो तो फिर वो मैं डेफिनेटली उनका आर्टवर्क एक चेस करना चाहूंगा। जी जरूर, आई थिंक हमारे व्यूअर्स ये जान के बहुत खुश होंगे कि कितने लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन और आपके इंस्पिरेशन भी हैं जिनको आप कभी फॉलो करना चाहोगे या प्रॉबली कभी किया भी हुआ है। तो आज हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिफोर वी गो, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे आर्टिस्ट सर्कल के सारे आर्टिस्ट के लिए जो दुनिया के हर कोने से आज ज्वाइन किए हैं एस एफ बी लाइव पे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? यस, डेफिनेटली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का मानना होता है कि
अभी का जो वक्त है, इससे पहले बहुत अच्छा टाइम था पेंटिंग, फिर उसके बाद आने वाला टाइम होगा पेंटिंग के लिए अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज का जो टाइम है, जो अभी का जो टाइम है, सबसे बेस्ट है आर्ट के लिए, अपनी कला को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आज आज की जो की तारीख में जो जो सब चीजें हैं वो आसान हुई है, मतलब सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन गैलरीज हो, आपको कहीं पे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पेंटिंग अपने काम के ऊपर फोकस करना होता है और अपना काम डेवलप करना होता है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये जो और ये जो आपने किया हुआ है आर्टिस्ट सर्कल ग्रुप में, ये जो प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है, ये काफी अच्छा है और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। जैसे आज मैंने अपनी जो छोटी थोड़ी सी जर्नी के बारे में शेयर की, और ये काफी अच्छा है कि ये मुझे भी आप सभी के साथ काफी अच्छा लगा। अभी इतने सारे लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं या फिर उनको आर्टवर्क मेरे देख के अच्छा लग रहा है। जो जो भी कोई हो, अगर इस हमारे लाइव के जरिए से अगर दो भी अगर लोग इंस्पायर हो, उन्होंने इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहा, तो ये डेफिनेटली ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो हम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जाके वो एक अच्छा कि हमने ये लाइव किया और कहीं कोई ना कोई तो इंस्पायर हो गया हमारी वजह से, तो ये काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अतुल किशन जी फॉर स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल इवनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर लवली जर्नी एंड इवन मोर ब्यूटीफुल आर्टवर्क विद ऑल आवर व्यूअर्स। सो सारे व्यूअर्स के बिहाफ पे और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट एवं आर्टिस्ट सर्कल के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यही कामना करती हूँ कि आपकी ये जर्नी और भी खूबसूरती के साथ आगे बढ़े और आपको बहुत बहुत नाम और फेम मिले। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू, मैं भी आर्टिस्ट सर्कल ग्रुप का और आप काफी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने अच्छे अच्छे लोगों के सामने मेरा आर्टवर्क भी करने का मुझे चांस मिला, उनके साथ मेरी जर्नी भी शेयर कर मिली। और थैंक यू सो मच आर्टिस्ट सर्कल ग्रुप फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। You're most welcome. Have a great day and have a beautiful life ahead. धन्यवाद।